आज मुंबई समेत आसपास इलाकों में सुबह से ही जारी है भारी बारिश। मुंबई के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में इस पूरे हफ्ते होगी जोरदार बारिश, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। समुद्र किनारे हाईटाइड का खतरा बढ़ा। अगर अंबानी की शादी में बम फट जाए तो आधी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, खरबों रुपए का स्वाहा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर मिली धमकी, मुंबई पुलिस अलर्ट पर जंग जारी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुद्र में डूबने से युवती की हुई मौत, अब तक पहचान नहीं हो पाई, अस्पताल में है शव। हादसों के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं लोग, खतरे की जगहों पर घूमने वाले 12 पर्यटकों पर मामला हुआ दर्ज, लोनावाला पुलिस की कार्रवाई। सेंट्रल रेलवे पर ट्रैक पर फिर जमा हुआ पानी, देरी से चल रही है कई ट्रेनें। बारिश के पानी में डूब गया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और फंती नदी जैसी दिखाई दे रही है सड़क। मुंबई के सेवरी रेलवे स्टेशन पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, रेलवे ने दी नसीहत, युवक की तलाश जारी। भारी बारिश के कारण कोंकण रेलवे मार्ग पर लैंडस्लाइड, रेल सेवाएं हुई प्रभावित। मुंबई जाने वाली पटना सीएसएमटी सुपरफास्ट 17 और 21 जुलाई को रहेंगी रद्द, मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल भी हुई कैंसिल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बवाल, दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर झड़प, भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के पास लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस के एक डिब्बे के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मचा हड़कंप। वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडक सागर, तांसा, भादसा, बिहार और तुलसी, बारिश से मुंबई की झीलों में बढ़ा 25% पानी। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने की शरद पवार से मुलाकात। मुंबई के अंधेरी कुर्ला रोड पर एक घर गिरने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बचाया गया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुंबई में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। अकोला शहर में बाइक सवार को कार ने मारे टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ का गांजा किया जब्त। मुंबई में सोने के दामों में उछाल देखी गई, सोना 73,640 रुपए तोला तो वही चांदी 95,200 रुपए किलो। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक और बस के बीच टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत।